सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो सारे? मैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, जो करता हूँ आप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही होगे। तो फिलहाल अभी बज चुके हैं सुबह के 9, मतलब 9 बजने में 10 मिनट है, देखो 9 ही बज चुके हैं। तो फिलहाल आज मेरे भैया जाएंगे दीदी के यहाँ पर। उनके यहाँ पे क्या है मम्मी? आज दुर्गा सरस्वती जी का पाठ है। मेरे से ढंग से बोला नहीं जा रहा गाइज, आज समझ जाना आप, ठीक है? तो माता का हमन है आप बेसिकली। तो ये देखो पोम पुसोया पड़ा है, मम्मी ने गेहूँ साफ कर दिए हैं, ये टप वाले भी साफ कर दिए ना मम्मी। सारे साफ करके रख लिए, बस पिसवाने रह गए मुझे। तो भाई पिसवाने हैं बस ये आज। और यहाँ पे बना रही है मम्मी पूरी, यहाँ पे नाश्ता बन रही है चाय। मम्मी पूरी इतनी क्यों बना रही है? आप मोटा करोगे क्या सबको? आप तो ही मोटा रही नहीं करो, मोटी। सुन नाश्ते में बना रही भाई, पूरी खा के जाएगा। वहां दीदी के यहाँ तो तो देख मैं रोटी लेंगे, खाऊंगा, मैं पूरी नहीं खाने का। रोटी नहीं खाओ, पूरी नहीं खाओ तो रोटी खाओ आज नाश्ते में। ये पूरी नहीं आज आपकी, जल्दी, मुझे काम भी ना बहुत नहीं है, मम्मी मैं डाइटिंग चलो पे तेरी तेरी हूँ। रोटी बना दूंगी। तो भाई ये देखो चाय। भाई एक देखो मैं वजन घटा रहा हूँ, और ऊपर से मम्मी कह रही है कि अरे नहीं, ये भी पूरी तेरे खाना। सामने ही बोल कर कहा ना कि मम्मी पूरी बना दी मेरे नाश्ते में, बहुत देर लगेगी मुझे दीदी के वहां। तो वो तो वजन बढ़ा रहे। तो बेटे तेरे फुलके से आई तू, तो फिलहाल मैं और मम्मी जाएंगे भाइयों ये गेहूं पिसवाने के लिए। गेहूं वैसे आटा है घर में, लेकिन वो आटा थोड़ा सा वैसा पीस दिया उन्होंने। कैसे पीस दिया मम्मी? मोटा मोटा था ना। और भाई लेंटर भी डलेगा, तो जो मोटा आटा है और उसमें चने भी मिक्स करवा रखे हैं, गोशनी की रोटी बोलते हैं गाइस उसे, तो उनकी पूरी अच्छी नहीं बनती, बात ये है। तो कल लेंटर, कल परसों में लेंटर डल जाएगा ना, तो फिर पूरी वगैरह भी बनानी पड़ेगी। तो इसी वजह से आटा पिसवाने जा रहे हैं मैं और मम्मी अभी थोड़ी बहुत देर में। तो भाई चलो चलते हैं, पहले एक कप चाय पी लेता हूँ मैं, फिर चलेंगे। तो भाइयों फिलहाल अभी टाइम हो रहा है शाम के 6, अभी मैं आ गया हूँ जिम से। 6 नहीं भाई, 6:30 के लगभग हो रहा होगा, अभी जिम से आया हूँ। और जब से व्लॉग अब बनाए, क्योंकि आज पूरे दिन फ़ोन तो घर पे ही था, तो आज पूरे दिन मैं भाई प्लॉट पे था। एक तो भाई आज बहुत काम करे हैं, स्कूटी में भाई गिरवाया तेल, आज तेल भी बहुत कम था, आज टंकी फुल करवा दी थी, क्योंकि पूरे दिन भाई इसका आना जाना लगा ही रहता है। तो एक और क्या क्या काम कर रहे थे भाई, एक बार सोचने दो। आज भाई एक तो लाइट लेके आए हैं, क्योंकि आज लिपाई जानते हो गाइस, जैसे एक तो ये दीवार है, ऊपर जो दीवार पे सीमेंट हो रहा है उसे लिपाई बोलते हैं, तो वो हुई है आज। तो अभी फिलहाल मैं आया हूँ पोम्पू घुमाने, और सोचा कि व्लॉग बना लेता हूँ, क्योंकि यार अब से मैंने कसम खाई है कि रोज़ व्लॉग आएंगे, क्योंकि इतना खर्चा भी कर रहे हैं घर वाले, और जब भी अगर मैं रोज़ नहीं डालूंगा तो फ़ायदा क्या है। तो भाई कंटिन्यू अगर आप किसी चीज़ को करते हो ना, तभी उसका रिजल्ट आता है, वरना रिजल्ट आता नहीं है। और ये देखो मेरे जूते के फीते कैसे खींचता रहता है, देख रहे हो? ऐसा है कि मेरे साथ खेल ले। तो इसके ड्रामे भाई ख़त्म होते नहीं है। वैसे आज मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक जिम का बलियान भी ले आऊँ, और आज 2-3 बंदे जिम में कह भी रहे थे कि मेरा काफ़ी ज़्यादा वज़न कम हो गया है। तो हाँ भाई अच्छी बात है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है सुन के कि वज़न कम हो गया है। बाकी मम्मी ने देखो ये छत पे क्या उगा दिए हैं, और मम्मी के पौधे दिखा देता हूँ भाई, बहुत दिन हो गए यार ये पौधे कहाँ दिखाने दे रहा। हट जा, ये भाई बहुत बदतमीज होता जा रहा है पप्पू, तो गिर जाओ मैं पप्पू। देखो भाई रुक जाओ, मैं धीरे धीरे पहुँच ही रहा हूँ भाई, ये पहुँचने देता तो है नहीं। ये देखो ये तुलसा जी, ये गुलदुफेरी, और भाई हमारी तुलसा जी सूखती जा रही हैं, पता नहीं मुरझा रही हैं, तो कोई उपाय हो तो बता देना जिससे कि तुलसा हरी भरी रहे, ठीक है? तो वहाँ से पहले मैं थोड़ा खिला दूँ, जब आपसे मिलता हूँ। भाई ये ट्राईपोड मैंने आज नए तरीके से इसका एंगल लगाया है, तो बताना ऐसे सही आ रही है वीडियो की नहीं, और ऐसे अगर सही आ रही होगी ना तो ऐसे ही व्लॉग बनाया करूँगा। और मुझे जहाँ तक लगता है ऐसे में काफ़ी वाइड दिख रहा होगा आपको, और काफ़ी ज़्यादा वीडियो अच्छी आ रही होगी। पोपू चला गया है घूम के नीचे, और फिर यार एक दिक्कत हो जाएगी, जैसे ऐसे घुमाना पड़ता है तो ऐसे नहीं होगा, पर देखेंगे उसका भी कोई इलाज, जैसे ऐसे हो जाए एकदम से तो ऐसे। तो ये एडिटिंग में इन चीज़ों की दिक्कत आती है गाइस, बस और तो कुछ नहीं है, बाकी यहाँ से बहुत वाइड आ रहा होगा एंगल, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। मेरा वो आइडिया फेल हो गया, उसमें थोड़ा बहुत वाइड तो आ रहा है एंगल, लेकिन ये मेरा जो हाथ मैंने ट्राईपोड पकड़ रखा है जिससे ये भी साथ में आ रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो अभी भाई चलो मैं भी नीचे चलता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ, और भाई जिम से आया हूँ अभी, तो खाना पीना तो चाहिए, तभी तो बॉडी बनेगी, ऐसी थोड़ी बन जाएगी बॉडी, तो चलो। तो भाई वो फिलहाल अभी मैं और पूम पूम घूम के आ गए हैं, ऊपर से बहुत पहले आ गए थे, तो मैंने खा भी लिया है कुछ, जैसे जिम से आया हूँ हुआ था मैं, फिर अभी भाई खाऊंगा खाना। और ये देखो खाना जी भूख लगा रहे हैं, मम्मी भूख लगा रही है खाना जी को। और भाई हमें किसी ने बताया है कि हम तो शुरू से ही मतलब ऐसे ही भूख लगाते हैं, जब कान्हा जी को कुछ खिलाना हो
तो पर्दा ढक देना चाहिए, जैसे ऐसे हमने ढक रखा है। तो हम तो शुरू से ही ऐसे ही करें। बहुत से लोग देखो अपनी अपनी मान्यता है, पर हम तो ऐसे ही करें, है मम्मी? किसने बताया था आपको नु करना चाह? कौन से पुजारी ने? अच्छा, पहले हम तो शायद शुरू से ही ऐसे करते आ रहे हैं। क्या बनाया? चोरी तो नहीं खा रहे थे क्या पहले? हाँ ये भी है, बचपन में भी आलू आलू टमाटर बनाए बेटे। आज बनाए देखो काम की सब्जी। अच्छा, हाँ आलू टमाटर में भाई है थोड़ा सा फैट है, पर कार्ब्स भी हैं और स्वाद सभी आता है खाने में। और देखो भाई खेल के कैसा लोटा पड़ा है, सोया पड़ा है, मतलब शाम की पूजा भी होगी। ये दिखा देता हूँ भाई, ये देखो ये देखो, एक दीवा बद गया एक जल रहा है अभी भी। और ये देखो हमने माला लगा दी भाई ऐसे ही, खाटू श्याम की तस्वीर वहां से उतार के यहाँ पे लगा दी। देखो इस दीवार पे तस्वीर ही तस्वीर है। हाँ ले आओ मेरा खाना भी ले आओ। तो भाई खाना खा लेता हूँ, चलो मैं अब।